मधीलचा देखील प्रचार करण्यात आला, केरला स्टोरीचा देखील प्रचार करण्यात आला. बघा कोणती स्टोरी चालली नाही, फक्त लोकशाहीची स्टोरी चालली. और बजरंग बली की गदा तो उनके ही सर पर पड़े हैं, भाजपा के, बीजेपी के. आप देखता देखो, बजरंग बली जो है वो प्रभु श्री राम का एक सच्चा अनुयायी था, और जहाँ सत्य था वहाँ ही गया. तो मुझे लगता है कर्नाटक में श्री राम और बजरंग बली सत्य के साथ रहे. कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उसको लेकर हिंदी नगर अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हमने पहले भी कहा था कि कर्नाटक में किसी भी हालत में मोदी जी और अमित शाह जी का पराजय होगा. अगर कांग्रेस जीत गई है तो मैं ये हार मानता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी, बीजेपी की बात बाद में. क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, और अगर हम लोग हार रहे हैं देखने के बाद, बजरंग बली को चुनाव प्रचार में उतारा था लेकिन बजरंग बली की गदा बीजेपी के ही सर में टूट पड़ी और उनका सर टूट गया है. ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है. 2024 में क्या होगा, 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ. तो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील तिकडे प्रचाराला गेले होते, काय वाटतं प्रचार करण्यासाठी खास करून इकडनं महाराष्ट्र? आपण निर्णय पाहिला असेल, महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून म्हणजे भारतीय जनता पक्षानं आणि त्यांच्या सरकारनं फौजाच्या फौजा पाठवल्या कर्नाटकमध्ये, विमानं उतरवली, विमानात कार्यकर्ते कमी आणि खोके जास्त होते. पण कर्नाटकच्या जनतेनं या खोके सरकारच्या लोकांना लाथाडून लावलेलं आहे. अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री गेले, योगी आदित्यनाथ गेले, सगळे गेले, मोदी आणि शहाने तिथे तंबूस ठोकला होता. पण प्रत्यक्षात आपण पाहतोय की कर्नाटकमध्ये जरी पूर्ण निकाल आले नसले तरी जे ट्रेंड्स दिसत आहेत ते काँग्रेसच्या बाजूने. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे जे उमेदवार आहेत त्यांना मराठी मतं मोठ्या प्रमाणात पडलेली आहेत, अजून तरी ते पिछाडीवर दिसून येत आहेत. आम्ही प्रयत्न केले, आमची कमिटमेंट आहे, आम्ही हार जीत पाहत नाही. तिकडलं मराठी मतं एकत्र राहावीत यासाठी आम्ही जात असतो. तरी आम्हाला आशा आहे की आमची एखादी सीट एकीकरण समितीची लागेल, पण या जागा पडाव्यात यासाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी तिथे पैशाचा महापूर उचला होता आपल्याच लोकांचा पराभव करण्यासाठी. ही गद्दारी आहे. जनतेने अखेर धडा शिकवला कोणाला? भाजप गाडलं. चला धन्यवाद सर. सर समीर वांगे आपने सामना में सर सामना में आ गया है, बहुत ड्रामा हुआ था महाराष्ट्र में, उसके बाद अभी केस ड्रामा ही हुआ था ना, सच क्या था उसमें? ड्रामा होता है. नवाब मलिक जी जो बात कहते थे और हम नवाब मलिक के समर्थन में थे, तब भारतीय जनता पार्टी के सब लफंगे हाँ इस अधिकारी के समर्थन में खड़े रहे थे, सड़क पर उतरे थे. वी सपोर्ट सो एंड सो ऑफिसर जिसके ऊपर ये सब चार्जेस लगे थे. अब उसके बारे में क्या उनकी राय है बीजेपी ने अधिकृत रूप से बताना चाहिए. अब वो क्या कहना चाहते हैं, एक करप्ट एक्सट्रॉनिस्ट अधिकारी जिनके खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया है उसके समर्थन में बीजेपी उतरी थी. निरपराध इनोसेंट बच्चों को पकड़ा गया था, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी और नवाब मलिक को गुनहगार ठहराया ये लोगों ने सब ने मिलकर. और ये जो मिस्टर वानखेड़े हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मुंबई का स्वयं घोषित नेता जिस तरह से दिल्ली में लॉबिंग कर रहा था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर पे ये मीटिंग हो रही थी. सब ये जो सब षड्यंत्र रच रहा था ना, ये एक्सट्रॉशन का और खंडनी का, ये एक बीजेपी नेता जो मुंबई में है, मैं उसका नाम जल्दी जाहिर करूँगा, उसके घर में सब ये बैठकें होती थी. रात को 2 बजे के बाद ये मीटिंग होती थी और वहाँ ये सब एनसीबी के अधिकारी आकर बैठते थे और उसके लिए दिल्ली में लॉबिंग करने वाले बीजेपी के लोग थे. अब उनका क्या कहना है मुझे बताइए.